मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अधर बिहारी अंगद सुन्यो के पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल समर बांकुरा पाली सुत तरक चढ़यो कपि खेल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम युद्ध विरुद्ध पृथ दो बंदर राम प्रताप सुमर और अंतर रावण भवन चढ़े दो सहत गह भवन भड़ा वही देख निशाचर अति भय पावही नारी वृंद कर पीटही छाती अब दो कपि आए उत्पाती कपि लीला कर तिन ही डरा वही रामचंद कर सुयश सुना वही पुनि कर गह कंचन के पुकट मझारी लागे मर गन पुदल भारी खाहुक लात चपेटन घेहू भजे हो न राम सोहे फल लेहू एक एक सन मर्द कर तूर चला वही मुंड रावण आगे पर ही ते जन फूटे ही धरि कुंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम महा महा मुखिया ये खा वही ते पद गही प्रभु पास चला वही कही भविष्य तिन के शीश आई निश्चर्य निदेश
सकल मरम रघुनायक जानानी ये बोली अंगद हनुमाना समाचार सब कही समझाए सुनत कोपी कपि कुंजर धाय पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा पावक सायक सपद चलावा भय प्रकाश कतहु तम नाही ज्ञान उदय जिन संजय जाही भालु बलि मुख पाए प्रकाशा धाय हर्ष विगत शम त्राशा हनुमान अंगद रण गाजे हाँक सुनत रजनी चर भाजे भागत भट पक तहीं दर धरनी कही भालु कपि अद्भुत करनी गर पत अदार ही सागर माही मगर रग गज धर धर खाही कछु घायल कछु रण मरे कछु गढ़ चले पराए गर जही मर कट भालु भट रिपुदल बल विचलाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम निशा जानी कपि छाड़े ओनी आए सब जहाँ कौशला धनी राम कृपा करी चितवा शम वानर तब ही वहाँ दशानन सचिव हंकारे सब सन कहस सुभट ये मारे आधा कटक कपिन संघारा कहो बेगी का करे विचारा मालवंत एक जरठ निशाचर रावण मात पिता मनते भोला वचन नीति अति पावन तात सुनहु कछु मोरे सिखावन जब से तुम सीता हरियानी अशुकन होए न जात बखानी वेद पुराण जास गुन गावा तास विमख सुख काहु न पावा हिरण्याक्ष दाता सहित मधु कैटव बलवान यही मारे सो अवतरे कृपा सिंधु भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता राम काल रूप खल बन गहन गुण सागर घन बोध शिव विरंच यही से वही दास कवन विरोध सियावर राम जय जय राम दे प्रभु राम सीता राम करो कल्याण सीता इधर अंगद ने सुना कि पवन कुमार हनुमान जी अकेले ही किले पर गए हैं। तब वह समर बांकरे बाली कुमार खेलते ही खेलते तड़क उछल कर किले पर चढ़ गए। दोनों बानरों का विरुद्ध युद्ध चलने लगा। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों भाई रावण के घर पर दौड़ कर चढ़ गए और कौशलाधीश रामचंद्र जी की दुहाई करने लगे। तब जब कलशों के समेत सब किले को ढाने लगे तब देखकर राक्षस बहुत डरे। स्त्रियों का समूह हाथों से छाती पीटने लगा कि अब की बार बड़े उपद्रव वह दोनों बानर आए हैं। दोनों कपि लीला करके उन्हें डराते और राम जी का सुंदर स्पष्ट बखानते। फिर सोने के खम्भों को हाथ से पकड़कर आपस में मिलकर उत्पात आरम्भ करने लगे। फिर शत्रुओं की सेना में कूद पड़े और मर्दन कर डाले। किसी को लात किसी को चपेटों से मारकर कहते, तुमने श्री रामचंद्र जी का भजन नहीं किया है, ये उसी का फल है। एक को दूसरे से मसलकर सिरों को तोड़कर फेंक देते हैं। वह रावण के सामने जा पड़ते हैं तथा दही की कुंड की तरह फूट जाते हैं। उनकी चर्बी छितरा जाती है।
जो बड़े बड़े मुखियों मिलते तो पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। तब भीष्म जी उनका नाम बताते हैं, श्री रामचंद्र जी उनको अपना ही धाम दे देते हैं। दुष्ट राक्षस जो ब्राह्मणों के मांस भक्षी थे वह उत्तम गति पाते, जिसकी योनि याचना करते हैं, हे पार्थिव दया सागर रामचंद्र जी समझते हैं कि ये बैर भाव से ही सही मुझको स्मरण तो करते हैं, ऐसा जी में जानकर परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु कौन है जो मनुष्य प्रभु को भ्रम त्याग कर नहीं बचते, वह परम मंद बुद्धि और भागे हैं। अंगद और हनुमान जी उस दुर्ग में घुसकर श्री रामचंद्र जी का नाम लेते, लंका में विध्वंस करते, दोनों बानर कैसे शोकते हैं जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र का मंथन कर रहे हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना को मसल डाला। फिर सूर्य को अस्त होता देख बिना प्रयास ही दोनों कूद कर वहां आए जहाँ श्री भगवान रामचंद्र जी थे। उन्होंने आकर रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, जिसे देखकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। तब रामचंद्र जी जैसे ही उन दोनों को कृपा कर देखा तो उनका सारा श्रम दूर हो गया और वह बहुत सुखी हुए। तब अंगद हनुमान को गया जानकर अनेक योद्धा ऋषि और बानर भी लौट पड़े। इधर राक्षस पर दोष यानी सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई करते लड़ने को दौड़े। राक्षसों की सेना को आते देखकर योद्धा लौटे तो कटकटाकर जहां तहां भिड़ गए। दोनों पक्ष ललकार कर लड़ते और कोई हार नहीं मानता था। वीर राक्षस अत्यंत काले और वानर वीर अनेक वर्ण के तथा विशाल काय थे, किंतु दोनों दल के वीर एक ही समान बलवान योद्धा थे, तो तरह तरह से युद्ध करने लगे मानो वर्ष और शरद ऋतु के घने बादल प्रेरित होकर आपस में लड़ रहे हो। फिर जब अनेकंपन और अति काय ने अपनी सेना को विचलित होता देखा तो उन्हें ने माया की। तब पल भर में अंधकार हो गया तथा रक्त पत्थर और धूलि की वर्षा होने लगी। इस तरह दशों दिशाओं में घना अंधकार देखकर बानरों के दल में खलबली मच गई और एक से एक नहीं देखते जहां तहां पुकारने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने सारा मर्म जानकर अंगद व हनुमान जी को बुलाया, सारा हाल समझाकर कह दिया। वह सुनकर दोनों कपी कुंजर क्रोध कर दौड़ पड़े। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाकर तुरंत अग्नि वान चला दिया। फिर तो अंधकार का नाश होकर वैसे ही प्रकाश हो गया जैसे ज्ञानोदय होने पर संशय मिट जाता है। नीच और बंदर प्रकाश माने से अत्यंत ही हर्षित हुए और सब थकावट तथा भय मिट गया। तब अंगद और हनुमान उस रण घोषणा को सुनते ही निशाचर भागने लगे। तब भागते हुए वीरों को पकड़कर पृथ्वी में पटक कर रीच बानर अद्भुत करते थे। उन्होंने पाम पकड़कर समुद्र में डाल देते और उन्हें मगर सर्प तथा मछलियां पकड़कर खा जाती थी। कितने ही राक्षस घायल हुए, कितने ही खेत रहे और कितने ही भागकर घर पर चढ़ गए। इस प्रकार शत्रुओं के दल को विचलित करके रीच बंदर गजने लगे। रात्रि काल उपस्थित होने से बानरों की सेना कौशलादेव श्री रामचंद्र जी के पास आई। जब श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उनको देखा सब बंदर श्रम रहित हो गए। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जितने योद्धा मारे गए थे सबने उनका हाल कहा कि मेरी आधी फौज बंदरों ने नाश कर दिया है। तब रावण ने कहा शीघ्र कहो कि क्या उपाय करें। उनमें से एक माल्यवंत नाम एक बहुत बूढ़ा राक्षस था जो कि रावण के माता पिता के समय का श्रेष्ठ मंत्री था। उसने नीति भरे शब्दों में कहा, हे तात, कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से तुम्हारे शपन हो रहे हैं कि जो कहते नहीं बनता। जिनको जश को और वेद का पुराण गाते हैं उनसे विमुख होने पर भी कभी सुख नहीं पाया है। जिन्होंने हरनाक्ष को तथा हिनाक्ष को मारा है और जिन्होंने महाबलवान मधुकाटा का वध किया है उन्होंने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया है। जो काम रूपी राक्षसों के वन को भस्म करने वाले हैं, जो गुण निधान और अमित बोध संपन्न हैं, जिनकी महादेव पद्म योनि ब्रह्मा जी सेवा करते हैं, उनसे विरोध कैसा।